नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.9, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। आपको ईच ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये गिविन दे रखा है, ये 10 वोल्ट है, 10 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है, 5 ओम है, ठीक है। सपोज दैट हमने इसमें करंट I1 कह दी, ठीक है, तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। I2 कह सकते हैं, I3 भी कह सकते हैं, या इसे हम I1 माइनस I2 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे और जो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड आउट करेंगे, इसमें वो निकालेंगे, ठीक है। इन ब्रांचों में जो करंट फ्लो हो रही है उन्हें हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप एक नेटवर्क सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, इसे हम किरचॉफ के लॉ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं ये जो ब्रिज है, बीट स्टोन टाइप का ब्रिज है, तो क्या ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस से, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस से करेंगे तो यहाँ 10/5 आ जाएगा, यहाँ 5/10 आ जाएगा, यानी 5/10, इसे पी कह दें, इसे क्यू कह दें, इसे आर कह दें, इसे एस कह दें, तो 10/5 और 5/10 क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ करंट होगी, ठीक। तो बाई यूजिंग द किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ का यूज़ करेंगे, तो हमने सपोज किया इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक, आई फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे ये करंट I1 इधर निकल गई और यहाँ जंक्शन है, सपोज करो यहाँ से क्या हुआ, ये करंट I-I1 हो गई, ठीक है। इसमें करंट I1 है, ठीक है, इसमें करंट I1 यानी I-I1 हो गई, ठीक, और ये टोटल करंट इसमें कितनी I है, ठीक। अब यहाँ जाने के बाद सपोज दैट यहाँ करंट निकल गई, ये I2 हो गई, और यहाँ से करंट ये I1-I2 हो गई, ठीक, ये I2 कह दिया, इसमें करंट गई, और यहाँ ये I1 इधर आ ही रही थी तो I2 इधर निकल गई सपोज दैट, तो यहाँ I1-I2 रह गई, ठीक। तो ये एक ब्रांच बन गई, ठीक है, ये एक ब्रांच ये है, यानी एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है, फर्स्ट और सेकंड दो लूप आपके पास इस समय हैं, ठीक है, और तीसरा लूप या मैश ये है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थ्री मैश हो गए आपके पास। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मैच में हम क्या करेंगे, किरचॉफ का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे और वो होता है समेशन ई इक्वल समेशन आई आर बाई यूजिंग किरचॉफ लॉ इन लूफ ए बी डी ए। सबसे पहले इसमें करेंगे, सपोज दैट हम चाहे इधर एंटी क्लॉक वाइज ले लें या क्लॉक वाइज ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि तीनों लूप में आपने करंट को क्लॉक वाइज लिया या एंटी क्लॉक वाइज लिया है, ठीक है। तो सपोज हमने ये करंट इसमें क्लॉक वाइज ले लिए, इसमें भी क्लॉक वाइज, उसमें भी क्लॉक वाइज लिया है, ठीक है। तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अब लगाते हैं इसमें हम किरचॉफ लॉ। तो देखो 10 करंट इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन, इस करंट की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव लिए जाएंगे, 10 I1 क्या हो जाएगा, 10 I1। फिर इधर चले आए तो यहाँ से कितना हो गया, ये 5 ओम है, तो 5 I1-I2, 5 I1-I2, फिर इधर आ गए तो 5 I-I1, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस क्यों किया, ये करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये करंट इस तरह से है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन होने पे माइनस ले लिया है हमने, ठीक है। करने के बाद हमने सॉल्यूशन किया है, सॉल्यूशन करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल गई, वो इक्वेशन नंबर हमने नेम दे दिया फर्स्ट, ठीक है, और ये हमारा बैलेंस ब्रिज जो है, बैलेंस नहीं है ये, जो ब्रिज दे रखा है बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये हमने चेक कर ही लिया था यहाँ से पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस से, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लूप में भी इसी तरह से लगाएंगे, सेकेंड लूप क्या है, डी वी सी डी में, ठीक है। अब इसमें देखो ये करंट है, ठीक, 5 I2 हो गया, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ये भी करंट क्या आ रही है, इसमें अपोजिट है, तो ये माइनस हो जाएगा, -10 I-I2, और ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से आ रही, माइनस 5 I1-I2, ठीक है, तो प्लस की सिर्फ 5 I2 रहेगी। ये देखिए सेकेंड मैच में हमने लगाया है, -5 I1-I2 +5 I2 -10 I-I2 प्लस की 5 I2 है, बाकी माइनस है। ब्रैकेट को आप ब्रैक करेंगे, ब्रैक करने के बाद क्या आएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी, 4 I2-I1-2I=0, ये इक्वेशन 2 कह दी। अब सेकेंड लूप यानी थर्ड लूप, थर्ड लूप क्या लेंगे, ए बी थर्ड लूप देखो, ए बी सी, ठीक है, अब एच जी ए, इस वाले लूप में,
इस वाले लूप में देखो क्या करेंगे किस तरह से। ठीक है, इस वाले लूप में देखेंगे तो करंट को देखो, सबसे पहले 10 यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे, 10 आई वन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, 5, 5 क्या हो गया, 5 आई टू, और फिर इधर आ जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ इस तरह से स्टार्ट होगा, इन वालों को नहीं लेना है, सिर्फ ये देखेंगे ए बी सी एच जी ए। ठीक है, 10 आई वन, 5 आई टू, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 10, क्योंकि वोल्टेज भी आ गया इसमें, तो ये ले लेंगे हम 10, और माइनस का है, ये माइनस है, ये यानी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सबसे पहले नेगेटिव आ रहा है तो माइनस का 10, और यहाँ आ रहा है हमारे पास 10 आई। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई हमें, देखिए। ठीक है, 10 आई वन प्लस 5 आई टू माइनस 10 प्लस 10 आई इक्वल जीरो। ठीक, तो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को सॉल्व करना है एक बार, इस इक्वेशन इसको इसको ले लें, फिर इसको इसको ले लें, या इसको इसको ले लें, तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, आई वन आई टू और आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तभी हम बता सकते हैं, जैसे आई वन इसमें इस ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई टू इस ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई वन माइनस आई टू अगर हमें कैलकुलेट कर लेंगे तो इस ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही है, इस ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं इसे हम। सबसे पहले हमने लिया इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद ए बी की वैल्यू क्या आएगी, आई वन की वैल्यू आएगी 7/17, आई टू की वैल्यू आएगी 6/17, और आई माइनस आई टू की वैल्यू आएगी यानी 10/17 माइनस 6/17 4/17। ठीक है, और ब्रांच डी ए, डी ए ब्रांच में वैल्यू आएगी आई माइनस आई वन इक्वल 10/17 और माइनस 4/17, तो ये आएगा 6/17। ठीक है, आई की वैल्यू क्या आ गई, 10/17। ठीक है, आई वन की वैल्यू ये है, आई टू की वैल्यू ये है, आई माइनस आई टू की वैल्यू ये है, और आई माइनस आई वन की वैल्यू ये है। ठीक है, तो सभी ब्रांच में आप करंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।